हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन परशम स्कूल। आज हम सोशल साइंस करेंगे। स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर 1 चैप्टर 10। चैप्टर 10 है स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर ज्योग्राफी का है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? ओके, नाउ स्टार्ट। आवर अर्थ इज यूनिक इन द सोलर फैमिली। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हैज गॉट फेवरेबल टेम्परेचर water and life, which is valuable gift to the earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. Ordinarily, we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively, like liquid and solid. In this way, the air gas around the Earth's surface came into existence. Huge disks on this sphere were filled with water and turned into ocean. Thus, the exact form of the Earth was created. Spheres of the Earth. There are four main spheres of the Earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. जनरली हम जानते हैं कि पृथ्वी का जब उद्भव हुआ था तब फायरबॉल था। धीरे धीरे ये फायरबॉल ठंडा पड़ गया और सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, और इस तरह अर्थ के आसपास गैसेस और अर्थ के सरफेस पे खड़क और मिट्टी के लेयर बने। ऐसे लेयर्स में पानी से ओशन बने और अर्थ का फिक्स फॉर्म बना। फर्स्ट वाला है लिथोस्फीयर। अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉयल एंड सॉयल सॉलिड मैटर्स। लिथो मीन सॉयल, दैट इज वाई अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज लिथोस्फीयर। एज दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉलिड मैटर्स, इट इज नॉन एज द रॉक स्फीयर और द सॉलिड स्फीयर। अर्थ का अपर लेयर मिट्टी और सॉलिड मैटर से बना हुआ है। लिथो का मीनिंग होता है कि मिट्टी, इसलिए अर्थ के अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहा जाता है। इस लेयर पर खड़क की यानी कि चट्टान और सॉलिड मैटर्स से बना हुआ है, इसलिए इसको रॉक स्फीयर भी कहा जाता है एंड सॉलिड स्फीयर भी कहा जाता है। एरिया एंड फॉर्मेशन। अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक। लाइट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट। दिस लेयर इज थिन इन द डिप सी। लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन प्लेन्स एक्सेट्रा आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड। एज वी गो इन टू द डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली। एरिया एंड फॉर्मेशन। अर्थ का अपर लेयर 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जितना मोटा है। इसमें मेन एल्यूमिनियम और सिलिका मैटर्स है। गहरे समंदर में ये लेयर पतला है। अर्थ का अपर लेयर का सरफेस लगभग 29% पार्ट लिथोस्फीयर का है। यहाँ पे माउंटेन प्लेन्स एक्सेट्रा है। लिथोस्फीयर का सरफेस में जैसे गहराई में जाओ तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि जैसे ज़मीन के अंदर अगर हम जाएंगे तो उसका क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। ऑन मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। दिस मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। इट कंसिस्ट of various gases. Here high pressure of the upper rocks is observed. Thus balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why earth crust does not burst. Generally per kilometer gehrai mein jane se per kilometer 30 degree celsius se temperature badhta hai. Is wajah se yahan pe garmi badh jati hai. ज़्यादा गर्मी की वजह से अंदर की जो रॉक होती है वो गर्मी की वजह से पिघल जाती हैं और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। इस पिघले हुए लिक्विड को मैग्मा कहा जाता है, जिससे गैसेस होते हैं।
अपर रॉक्स का हाई प्रेशर होता है। प्रेशर एंड हीट दोनों अपोजिट है, इस वजह से अर्थ बैलेंस मेंटेन होता है, बिकॉज अर्थ क्रस्ट डज नॉट क्रस्ट। लिथोस्फीयर हैज क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। आवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लिथोस्फीयर। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू फार्मिंग। Various industries and other economic activities are performed in the plain region. Forest on the mountains region is adaptive to the lithosphere. In short, it can be said that the pillar from food to dwelling and base of our existence means lithosphere. Lithosphere biosphere or vegetation से जुड़ा हुआ है। हमारे घर पानी, हमारे घर, पानी, खेती, इंडस्ट्री सब इससे जुड़ा हुआ है। लिथोस्फीयर में से मिनरल एंड क्रूड ऑयल मिलता है। अलग अलग क्रॉप्स का फार्मिंग करते हैं। प्लेन रीजन मतलब कि प्लेन एरिया में इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। माउंटेन पर जो फॉरेस्ट है वो भी लिथोस्फीयर की वजह से। अब देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि फूड से लेके ड्वेलिंग यानी कि रहने तक का हमारे अस्तित्व का पिलर यानी के लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एरिया इज मोर ऑन द अर्थ देन द लैंड एरिया। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज नॉन एज हाइड्रोस्फीयर। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। दिस एरिया of the earth surface is so vast that continents appear as if islands. Part of the earth having huge water mass are known as ocean. They are respectively well known as the Pacific, the Atlantic and the Indian and the Arctic Ocean. Oceans on the earth are very deep and huge. 10 to 11 kilometer deep valleys are there in their bottom. Various land forms like earth surface are there in the bottom of these oceans. 97% of the total earth's water is found in the ocean and its saline water. Remaining water, approximately 2/3 part, is in the form of ice sheets on the poles and on the earth. On the other, high mountains like Himalayas. The water which is lying under the earth crust flows in the form of lake and rivers is very less in proportion. हाइड्रोस्फीयर मतलब कि जलमंडल। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल को हम जलमंडल कह सकते हैं। अगर हम पृथ्वी को देखें तो उस पे 29% भूमि है और 71% इससे में जल उपलब्ध है। अभी जो ओशन की अगर हम बात करें तो हमारे चार ओशन हैं, पैसिफिक, एटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। ये सभी ओशन है। हमारे जो ओशन है वो बहुत बड़े और गहराई वाले हैं। उसके बॉटम में 10 से 11 किलोमीटर जितनी वैली है। वैली मतलब कि खाई है। अभी जो पानी है हमारा यानी कि 71% में पानी है, जल उपलब्ध है। अभी जो 71% हिस्से जितना पानी है उसमें 97% लवणीय पानी यानी कि खारा पानी है, जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl है, जिसको हम खारा पानी बोल सकते हैं। और 2.5% जितना मीठा जल है जो खारा नहीं है, जिसमें सोडियम क्लोराइड नहीं है। लवणीय जल कहाँ पाया जाता है तो हम बोल सकते हैं कि सागर, महासागर में पाया जाता है। और जो मीठा जल है यानी कि जो मीठा जल है वो लेक में या फिर सरोवर में उनमें पाया जाता है। और जो मीठे जल में बाकी का जो पानी का हिस्सा है वो हिमालय जैसे हाई माउंटेन पर आइस के रूप में भी पाया जाता है। और लेक और रिवर्स में जो पानी है वो कम मात्रा में है पर वो मीठा पानी है। लिविंग क्रीचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। इट इज अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर।
द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बींग. मोस्ट ऑफ द इम्यूनिटी फॉर द अर्थ रेन कम्स फ्रॉम द ओशन. एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स. सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वॉटर एंड इट्स बॉटम कंटेन्स मिनरल्स लाइक मैंगनीज, आयरन, टिन एक्सेट्रा. Ocean is also a stock of protein-rich food for humans. There is enormous power in the sea, and ocean waves, currents, and tides of the oceans. By its management, uses electrical energy can be obtained. The oceans have developed as waterways. Waterways are also more favorable in the trade of different countries. Living creatures पानी के बिना तो रह नहीं सकते. हम तो पानी के बिना रह नहीं सकते. पानी फूड के साथ या फिर एयर में से मॉइस्चर रूप से मिलता है. समंदर के बॉटम में मिनरल बड़ी मात्रा में है. पानी में से सॉल्ट मिलता है और उसके तले मैंगनीज, आयरन, कलाई एक्सेट्रा मिनरल्स है. समंदर प्रोटीन से भरा हुआ खजाना है. समंदर और ओशन की लहरें, फ्लो, टाइड्स, इसमें बहुत बड़ी एनर्जी है. इसकी मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है. अलग अलग कंट्री में व्यापार के लिए भी वॉटरवेज ज़्यादा फेवरेबल बना हुआ है. चैप्टर 10 हम यहाँ तक ही करेंगे. इसमें हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना. आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा. बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.